हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड 15। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी तरीके से कीमा बटर नान रेसिपी। तो आप लोग ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी होता है। अगर मेहमान भी आए तो इस तरह से बना कर दें, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये न्यू रेसिपी मैं बना रही हूँ, बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए मैं रेसिपी शुरू करती हूँ, ये देख लें। सबसे पहले मैं 2 कप मैदा डाल रही हूँ, इसके बाद 1 कप आटा डाल रही हूँ, गेहूँ का आटा ये है, और नमक 1 चम्मच और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून और डाल रही हूँ। ये 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, ये कलौजी मंगरेला 1 चम्मच डाल रही हूँ। इसके बाद सोडा खाने वाला 1/2 टीस्पून, ये 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, और इसके बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। पूरा चीनी सोडा वगैरह सभी आटा में अच्छे से मिक्स करने के बाद ये 1 चम्मच और 1/2 चम्मच और दही डाल रही हूँ। ये तेल 4 चम्मच है, इसमें से 3 चम्मच डाली, 1 चम्मच मैं बाद में डालूँगी, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें गर्म पानी से ही सानना है हमें, सॉफ्ट डो बना लेना है। ये गरम गुनगुना पानी से मैं आटा गूंद रही हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं यूज करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी। इसे अच्छा सॉफ्ट डो बना लेना है, बिल्कुल रोटी के जैसा। इस तरह से 1 चम्मच जो तेल था ये मैं फिर अभी डाल रही हूँ, इसे भी डाल के अच्छे से पूरा आटा गूंद लें, ताकि ये बटर नान बहुत ही मुलायम हो। और इसे ढक के 20 मिनट तक छोड़ दूंगी, जब तक इसका स्टफिंग बना रही हूँ। ये 1/2 टीस्पून जीरा है, और ये हरा मिर्च डाल रही हूँ 2 से 4, ये बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल रही हूँ, इसे भी डाल के अच्छे से सौटे कर लेंगे। ये अच्छे सौटे हो चुके हैं। ये लहसुन अदरक हरा मिर्च का दरदरा पेस्ट है, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। 1 चम्मच मैं डाली हूँ, और इसे डाल के इसे भी अच्छे से भून लेना है। ये 1/2 kg कीमा है, चिकन का, चिकन कीमा, ये डाल के इसे अच्छे से चलाऊंगी, 1 मिनट इसे भून लेना है। और इसके बाद नमक डाल रही हूँ अपने हिसाब से, ये काली मिर्च है, ये लाल मिर्च, इसके बाद जीरा पाउडर डाल रही हूँ, ये गरम मसाला है, ये चिकन मसाला है 1 चम्मच, इसे भी डाल के अच्छे से भूनना है। चिकन मसाला एक डालने से बहुत ही टेस्टी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसे ढक कर 5 से 6 मिनट पकाएं, इसमें जो चिकन का पानी छोड़ा उसी में ये गल चुका अच्छे से सॉफ्ट, इसे थोड़ा चूर कर देंगे बारीक बारीक। ये तैयार हो चुका, गैस मैं बंद कर दी हूँ, और 2 चम्मच और तेल डाल रही हूँ। इसमें चॉप किया हुआ बंधा गोभी है, बारीक चॉप कर ली थी इसे, इसे 1 मिनट सौटे करेंगे इस तरह से। इसके बाद गाजर भी चॉप किया हुआ है, ग्रीस किया हुआ है, इसे भी डाल के अच्छे से सौटे करना है, और 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ अपने स्वाद के हिसाब से। 1 मिनट इसे भी डाल के इसमें मिला के सौटे कर लें। ये चॉप किया हुआ शिमला मिर्च है, बारीक चॉप किया हुआ, बिल्कुल सब्जी जो डालें बारीक चॉप कर लें, चॉपर में चाहे आप जो भी सब्जी डाल सकते हैं। ये सोया सॉस 1 चम्मच डाल रही हूँ, इसके बाद विनीगर 1 चम्मच डालूँगी, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। इसे 1 से 2 मिनट इसी तरह भून लेना है, सब्जी को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, हल्का ही इसे पकाना है। ये पक चुका है,
ये चिकन जो बनाई थी उसमें इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और इसे साथ में दोनों अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल रही हूँ, इसे डाल के मिला लेंगे और इसे रख देंगे। ये तैयार हो चुका है ये ठंडा होने के लिए। और आटा जब तक देख ले रही हूँ, आटा अच्छा सॉफ्ट हो चुका है, इसे थोड़ा सा और मसलते हुए गूंध लेंगे, थोड़ा और मुलायम हो जाएगा इस तरह से। इसे लोई बना लेना है अपने हिसाब से, बड़ा या छोटा जो है बनाए अपने, इतना बड़ा मैं बना रही हूँ बॉल। और इसको इस तरह से करके इसमें स्टफिंग दो दो चम्मच मैं डाल रही हूँ। ये अच्छे से इसको पैक कर देना है, मुंह बंद कर देना है इसे, इस तरह से कर लें। और सूखा आटा डाल के इसे अच्छे से बेल लें, हल्का हल्का बेलें, नहीं तो ये फट जाएगा। ये धनिया पत्ती थोड़ा डाल दे रही हूँ, ये कलौंजी मंगरेला है, ये भी डाल के थोड़ा बेल देना है इसे हल्का हल्का हाथ से। और इसमें ढक के इधर लाल सिकने देंगे एक तरफ 2 मिनट, ये अच्छे से सिक गया। और पलट के दूसरी तरफ सेक लेना है इसे भी, फिर ढक के 1 मिनट और पकाएंगे। इधर अच्छे से पक चुका है, इसमें बटर मैं लगा रही हूँ, बटर और धनिया पत्ती एक जगह मिक्स करके रख ली थी। इस तरह से मैं सभी आटा को मैं बना लूँगी। ये देखिए बनके रेडी हो चुका, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम, बिल्कुल पाव के जैसा बन रहा है। और खाने में इतना टेस्ट है कि आप बगैर सॉस से भी खा सकते हैं इसी तरह, जितना देखने में टेस्टी है यकीन मानिए सेम खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप ज़रूर बनाएं, और रेसिपी अच्छा लगे तो कमेंट शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।